अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। खारघर के पांडवकड़ा एरिया में लागू हुआ कर्फ्यू, पुलिस ने पिकनिक पर लगाई पाबंदी, मनमानी पर होगी कार्रवाई। खारघर के पहाड़ी झरने पांडवकड़ा में इस साल भी पिकनिक पर पाबंदी लग गई है। नवीबई की पार्श्विक पहाड़ी से निकलने वाले इस मनमोहक झरने पर बीते साल 4 छात्र पहाड़ी बाढ़ के पानी में बह गए थे। खारघर के सीनियर पीआई प्रदीप तिदार ने बताया कि ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए मानसून के दौरान पांडवकड़ा में पिकनिक पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही यहाँ के ओवे कैंप, चाफेवाड़ी, फनसवाड़ी, तलोजा जेल तालाब एवं ड्राइविंग रेंज इलाके में धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीनियर इंस्पेक्टर ने नवीबई एवं खारघर वासियों के साथ ही मुंबईकरों से यहां न आने की अपील की है, साथ ही मनमानी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खारघर का जो एरिया है इसमें पांडवकड़ा और फनसवाड़ी का जो एरिया है इसमें कर्फ्यू ऑर्डर लगा दिया गया है। सीआरपीसी धारा 144 के तहत यहाँ पर जाने के लिए मनाई आदेश जारी किया गया है। लास्ट ईयर में, पिछले साल में पांडवकड़ा में जो बाढ़ आई थी उसके वजह से 4 लड़कियाँ वहाँ पर डूब के उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। इसके लिए ये घटना फिर से ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर कर्फ्यू ऑर्डर लगा दिया है। ये कर्फ्यू ऑर्डर जून 15 से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मैं सभी खारघर के सभी निवासियों को, नवीबई के निवासियों को और मुंबई के निवासियों को जो खारघर और पांडवकड़ा आना चाहते हैं उनको निवेदन करता हूँ कि कृपया आप ना आए, नहीं तो आपके ऊपर हमें कानूनन कार्रवाई करना पड़ेगी। बताते चलें कि खारघर का पार्श्विक हिल नवीबई के सर्वाधिक मनमोहक पहाड़ी इलाकों में से एक है और यही वजह है कि भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर लगातार सिडको से पांडवकड़ा को सुरक्षित और सुंदर पर्यटन स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसका ब्यूटिफिकेशन कब होगा किसी को भी नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।